नमस्कार दोस्तों, नमस्ते गाड़ा साहब। हेलो, नमस्कार। प्रेजेंटर द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म एंड आई एम अनुपम खेर द प्लेइंग द रोल ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह इन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। कल हमने ट्रेलर रिलीज किया इसको, कम डेढ़ साल पहले मेरे पास ये, कल मैंने ट्रेलर के थ्रू भी बोला, मैंने ट्रेलर के रिलीज़ के दौरान भी मैंने बोला था कि डेढ़ साल पहले मेरे पास ये सुनील साहब, सुनील बोरा साहब और विजय गुट्टे जी आए थे अशोक पंडित के थ्रू ये कहानी सुनाने के लिए। मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं ये फिल्म ना करूं, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट बिकॉज आई फेल दैट पॉलिटिकल फिल्म होगी, कॉन्ट्रोवर्सी होगी, मैं क्या इसमें करूँगा। बट फिर मेरे अंदर के एक्टर ने एक दिन टेलीविज़न न्यूज़ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को चलते देखा और मैंने कहा कि इन केस इफ़ आई एवर थॉट ऑफ डूइंग दिस रोल तो मैं कैसे करूँगा। तो जब मैं थोड़ा चला तो मुझे लगा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है उनकी तरह चलना या उनके भाव भंगिमाएँ दर्शाना। तो मैंने उसको चैलेंज में लेते हुए फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे आप स्क्रिप्ट दे दीजिए, और स्क्रिप्ट पढ़ा और फिर मैंने किताब पढ़ी और मुझे लगा कि ये आधुनिक भारत के पॉलिटिकल दशक की एक बहुत ही सशक्त कहानी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहानी है, जो जिसका भाग मुझे मिलने पार्टिसिपेट करने के लिए मिल रहा है बतौर एक्टर। एंड आई हैव ऑलवेज री इन्वेंटेड माई सेल्फ एज एन एक्टर। मेरी पहली फिल्म में मैं 28 साल का था, तो मैंने 65 साल के बुज़ुर्ग की एक्टिंग की थी। तो मैंने हमेशा अनकन्वेंशनल तरीके से अपने करियर को देखा है, मैंने हमेशा नए नए आयाम स्थापित करने की कोशिश की है, नॉट फॉर एनीबडी एल्स, फॉर माई ओन सेल्फ, बिकॉज आई वॉन्ट टू रीडिस्कवर माई सेल्फ एज ए पर्सन, एज एन एक्टर। हमारे एक्टिंग के टीचर कहा करते थे, जब तक डिफ़िकल्ट जॉब नहीं करोगे तब तक अपनी क्षमता का एहसास कैसे होगा। और कल फिर जब ट्रेलर रिलीज़ होने के बाद एक खत आया यूथ कांग्रेस के लीडर का, तो पहले मैंने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ ऐसा होता है कि सडनली इट बिकेम ए वेरी बिग न्यूज़ एंड आई फेल्ट दैट। एंड आज सारा दिन सुबह से यही चल रहा है कि हम बैन फिल्म बंद कर देंगे, फिल्म रोक देंगे, अलग फ्रॉम अदर मेथड्स ऑल्सो, अगर हमें फिल्में नहीं दिखाई। हमने एक बहुत ही करेक्ट कार्यप्रणाली अपनाई है जो कि एक मनाई जानी चाहिए, जिसमें हमने फिल्म बना के सेंसर को दिखाई और सेंसर से अप्रूवल लिया, और हमने कुछ भी प्रमोशन नहीं किया जब तक हमको सेंसर सर्टिफिकेट ना। ट्रेलर का हमें बहुत पहले मिल चुका था, लेकिन हमने फिर भी ट्रेलर रिलीज़ नहीं किया। हमने पूरी फिल्म के सेंसर का वेट किया, सेंसर सर्टिफिकेट का। सेंसर सर्टिफिकेट में जो उन्होंने हमसे कट मांगे थे, जो चेंज करने को बोला था, वो हमने प्रॉपरली चेंज करके दिया है। और उसके बाद कोई तीसरी शक्ति नहीं है जो आपको कह सके कि अब ये फिल्म जो है हम आप हमें दिखाइए। ये हमको किसी ना किसी टाइम पर रोकना है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ ए रेवोल्यूशनरी फिल्म, दैट फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया वी आर मेकिंग ए फिल्म विद द रियल नेम्स, विद द रियल पीपल, बेस्ड ऑन द बुक, लॉफुली बॉट द राइट्स ऑफ द बुक फ्रॉम संजय बारू सर, जिन्होंने 2014 में ये किताब लिखी थी। 2014 से लेकर 2018 तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। 2016 में सुनील बोरा साहब ने इकोनॉमिक टाइम्स में इसको अनाउंस किया था कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ। उसके बाद जब जब उन्होंने किसी भी एक्टर को साइन किया, मुझे या सूजन को या अक्षय खन्ना को, ये फिल्म लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, या हम पिक्चर रोक देंगे, आई थिंक इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। एंड आप लोग अलग अलग तरीके से मुझे फ़ोन कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं सबके सामने अपना और फिल्म का और गाड़ा साहब का और मेरे डायरेक्टर्स का और प्रोड्यूसर्स का और अदर एक्टर्स का पक्ष जो है सामने रखूं, और ये ज़रूरी है। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बड़े बड़े नेता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जो उनको सूट करता तो बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब आने की बात होती है तो बोल दिया जाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आई थिंक सिनेमा हैज़ टू मूव ऑन, पीपल हैव टू मूव ऑन, वी हैव टू प्रैक्टिकली शो मैच्योरिटी एंड सॉर्ट ऑफ अलाउ पीपल टू मेक फिल्म्स। आज से 25 साल बाद जब हिंदी फिल्मों का, आधुनिक फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बारे में बोले जाएगा ये पहली फिल्म थी जिसमें सब, अब इसके बाद बहुत सारे लोगों पर फिल्में बननी चाहिए। वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ बायोपिक्स नाउ, वी कैन नॉट, अगर हम मिल्खा सिंह की फिल्म पे बायोपिक बनाते हैं तो उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ठाकरे साहब की फिल्म बनाते हैं तो उसका नाम इस्तेमाल करते हैं,
अगर हम मैथमेटिशियन पर कोई फिल्म बनाते हैं उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, वाई कांट वी मेक ए फिल्म अबाउट पॉलिटिकल डेकेड वेयर वी शो व्हाट हैपन्स एक्चुअली इन पीएमओ, व्हाट हैपन्स अमंग द पीपल, व्हाट हैपन्स इन द राजनीति. सो वी हैव बेसिकली डन दैट एंड दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट इज. इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो थैंक्स सबको, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले तो थैंक्स सबको और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी कंपनी पैन बहुत सारी फिल्में रिलीज़ करती है हर साल, 10 से 12 फिल्में तो मिनिमम हम रिलीज़ करते हैं. और इस फिल्म के लिए खास द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलना चाहूँगा कि विजय गुट्टे जी ने बहुत, पहली बात तो हिम्मत करके ये फिल्म बनाई होगी और इतने आर्टिस्टों को कन्विंस करके जोड़ा होगा. सुनील बोरा का सपना था ये फिल्म बनानी चाहिए और हमारे पास ये जब फिल्म लेके आए रिलीज़ करने के लिए, जब हम जुड़े तो हमने उनके साथ जो हमें आज तक की समझ है कि हमारी जो इंडिया की एजेंसी है जिससे हम बंधित है वो सेंसर बोर्ड है. सेंसर बोर्ड हमारे को सेंसर देता है तब जाके हम फिल्म पब्लिकली रिलीज़ कर सकते हैं. ये आज तक का हमने इतिहास देखा है और इस फिल्म में हमने वही कंडीशन सुनील बोरा पे डाली थी कि जब तक सेंसर नहीं आएगी हाथ में मैं इसका प्रोमो लॉन्च नहीं होने दूँगा. कुदरत से ये 27 तारीख को ही सेंसर मिला फिल्म का और उसी दिन हमने ये प्रोमो लॉन्च किया. अदरवाइज ये फिल्म रिलीज़ करने के लिए हमारे पास दिसंबर में रिलीज़ हो सकती थी. ये प्रोमो 3 महीने से प्रोमो का सेंसर हमारे हाथ में था. कोई पॉलिटिकल इशू ना इसको लेना चाहिए, अदरवाइज़ हम 11 तारीख से रिज़ल्ट आने से पहले भी रिलीज़ कर सकते थे. ये फिल्म इंडिपेंडेंट देखनी चाहिए और अगर ये स्टेट वाले या दूसरे लोग जैसे बोलते हैं, मुझे लगता है कि इंडिया की, जैसे अभी हम इसको ओवरसीज भी करने वाले हैं 8 फरवरी को, तो हर एक के अपने अपने कानून है. अमेरिका में रिलीज़ करनी है तो उसके लिए अलग कानून है, यूके में रिलीज़ करनी है तो अलग कानून है, दुबई में रिलीज़ करनी है तो अलग कानून है. वो हर कानून का मेन मकसद होता है कि हमको सेंसर लेना होता है हर कंट्री का, और इसीलिए हम लोग के पास टाइम नहीं था. अदरवाइज़ हम शायद इसको पूरे वर्ल्ड में एक साथ ले जा सकते थे क्योंकि इसकी तमिल और तेलुगु डबिंग भी हो रही है और इंग्लिश में भी ये फिल्म, इंग्लिश में ये फिल्म शूट हुई है, जिसके इतने सारे इन लोगों के पैसे लगे होंगे, उसके बावजूद हमने बोला कि हम इंग्लिश नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं बच रहा हमारे पास, क्योंकि एक हिंदी को रिलीज़ करने में भी इतना टाइम चाहिए. तो हम 11 जनवरी को ये फिल्म ला रहे हैं इंडिया में, हम पहले हिंदी रिलीज़ करेंगे और 8 फरवरी को हम इंग्लिश, तमिल, तेलुगु ये तीनों रिलीज़ करेंगे इंडिया में और ओवरसीज में चारों लैंग्वेज हम 8 फरवरी को करेंगे. आप बोलिए. अनुपम सर, विल देयर बी स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर कांग्रेस एंड इफ यस व्हेन डू यू प्लान टू? नो, व्हाई शुड वी हैव स्पेशल? कल को फिर बोलें, फिर हम, फिर सेंसर बोर्ड का क्या फ़ायदा है? द ओनली पर्सन इफ ही आस्क मी दैट आई वुड लाइक टू हैव अ स्क्रीनिंग, नॉट टू सॉर्ट ऑफ आस्क हिम वेदर इट इज़ राइट और नॉट, इज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह. बिकॉज मुझे लगता है कि उनको ये फिल्म अगर देखेंगे, बड़ी अच्छी बात है अगर कर लिया. नहीं, बड़ी अच्छी बात है अगर they should control their people. तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा, ये यूथ कांग्रेस अलग होता है क्या? नहीं, उसके बाद कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा है कि हम, क्योंकि उस पर उनका सिंबल नहीं था ये लेटर पे, तो मुझे समझ नहीं आया. जो लेटर आया था उसके बाद आज दोपहर को कांग्रेस ने कहा है कि हमारा इस फिल्म को विरोध नहीं है. तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, इतनी अगर पॉजिटिव बात है हमारे लिए तो ऐसा स्टैंड हर पार्टी ने लेना चाहिए. I think that's a great news if Congress party has said that they should in fact encourage it. Dr. Manmohan Singh was not only the Congress party's prime minister, he was the prime minister of the whole country.
they should encourage people, or every party should encourage people to sort of watch it. Ab wo pehle se decide kar rahe hain. I was reading some people's Twitters, this thing that it's a fake movie, it's a fake this thing, it's something like that. So I think we should not pay attention to that. If that is what they have said, I think it's a great, great thing. So, appreciate. So many senior Congress leaders who have seen the trailer have said that this is fictionalized, this doesn't look true, especially those Congress leaders who claim to vote in PMO at that time. So that's all right, let them see the film. Abhi, aap, jab, it's like saying that you are choti si cheez kar rahe hain, usme hum jitni baatein hongi unko bolne dijiye. Let film not, we are not saying that aapke bolne par film ka fate depend karta hai. Humne film banayi hai, hum logon ko parosenge, kuch logon ko achhi lagegi, kuch logon ko achhi nahi lagegi. It's based on the book, and we are not talking about the person who wrote this book. He was not sitting in Karol Bagh, he was in PMO. Sanjay Baru was the media advisor appointed by the Prime Minister of the country. He was called ki aap mere media advisor bano, aur wo media advisor unke bane the. So it's a person who has seen the atmosphere and written the book. If they were fake, they should have said, read the book and sort of said that Sanjay Baru ne ye kitab fake hai ya aisa kar dena chahiye. सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा की रीच बहुत दूर तक होती है, और जब विजुअल में आप कोई चीज़ देखते हैं ना, तो आपको परेशानी होती है या आपको लगता है कि ये तो विजुअल भी नज़र आया है. सो इफ़ दे आर थिंकिंग दैट लाइक दैट, इट्स ऑल राइट, लेट देम थिंक. No, we nothing got arrested. We had done the 60% 70% of the film in England, and then only we had to do the Delhi ke portion karne the, aur kuch humko green screen pe karne the. Bilkul jaise humne decide kiya tha waise hua tha. बहुत सारे प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स हैं जो बेल पर बाहर आए हैं. ऐसे पॉलिटिकल बहुत सारे लीडर हैं जिनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं. आई डोंट थिंक दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विद द फिल्म. लेट्स नॉट क्रिएटिवली टॉक अबाउट इट. आई एम श्योर देर आर लॉट ऑफ जर्नलिस्ट हु आर ग्रेट एंकर्स एंड थिंग लाइक दैट, उन पर भी बहुत सारे आरोप हैं कि उन्होंने कुछ भी किया, या दूसरे लोगों पर. अपनी आरोपों की बात तो कोई अंत नहीं है. फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्यों ऐसा देखा जाना चाहिए, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. करें वही, मैं अनुपम जी की बात को आगे लेके जा रहा हूँ कि जैसे ही आप बोल रहे हो कि ये आरोप लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, फिल्म का आरोप सेंसर है. सेंसर हमको मिल गया, क्योंकि इसके बाद के अगर मॉरल जजमेंट नहीं पास करनी चाहिए हमें लोगों पर. मॉरल जजमेंट बात है, इससे कोई लेना देना नहीं, फिल्म को लेना देना नहीं है. हाँ, that you unusual that a political party is that is how can we stop somebody from saying whatever they want to say. ab Udta Punjab ke dauran bahut sare congress ke logon ne ya bahut sare political parties ne bola tha ki ye bahut sahi depiction hai, etc, etc. That's not, you can't stop from telling people. We know how the film was made. aaj ki problem kya ho gayi hai, aaj ki duniya mein jitne muh honge utni baat hogi. ab sabko to chup kara nahi sakte aap. सबकी इंटरप्रिटेशन, वी लिव, एवरीबडी इज़ ए क्रिटिक, एवरीबडी इज़ ए रिपोर्टर. इट इज़ नॉट ओनली दीज कैमराज टुडे, एवरीबडी ऑन ए मोबाइल ऑल्सो इज हैज़ ए पॉइंट ऑफ व्यू. द फैक्ट इज द रिस्पॉन्स टू द ट्रेलर इज फिनोमिनल. द पीपल हैव लव द ट्रेलर, दैट इज़ वॉट इज इम्पॉर्टेंट. पीपल शुड अपलॉड द फिल्म, द परफॉर्मेंसेज एंड द हार्डवर्क ऑफ सो मेनी पीपल. ये सब चीज़ें तो हेल्प ही करेंगी, पिक्चर की पब्लिसिटी होगी इसमें. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पिक्चर की पब्लिसिटी ही करेगी. तो पहली बात तो क्यों नहीं इलेक्शन सीजन में पिक्चर, पॉलिटिकल पिक्चर रिलीज़ हो. आप जो है पेट्रियाटिक फिल्में जो हैं, आप वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को रिलीज़ करते हैं. अब क्रिसमस में सारी पिक्चर क्रिसमस की फिल्में रिलीज़ होती, हॉलीडेज़ में अमेरिका में. आप डांडिया के दिनों में खेलते हैं, आप थोड़ा बाकी दिनों. तो वाई शुड, आई डोंट नो वॉट इज़ द प्रॉब्लम. अ फिल्म विच इज़ मेड विद द बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिक्स शुड बी रिलीज इन इलेक्शन
Why should it be released in election time? It's the best time to release the film. Based on a book. Based on the book. Yes. जिस पर आपने सीधे-सीधे लोगों के नाम लेके आपने वो फिल्म बनाई है, not made them fictionalized characters. So you think that now the time has come that such characters should be made more? Like we have seen in the past the controversies with respect to the films on the Gujarat riots or any other. You see the point is एक तरफ से हम कहते हैं कि हम मंगल यान भेज रहे हैं. हिंदुस्तान यहाँ से दूर तक तरक्की कर रहा है, हमारी महिलाएं जो हैं वो कितना नेवी की सेवन हमारा क्रू है, और दूसरी तरफ से फिल्म हम रिग्रेशन की ओर ले जा रहे हैं. व्हाई शुड द फिल्म बीइंग मेड अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट विद देयर नेम्स ऑन इट एंड स्पेशली लिटरेचर को भी ऐसे ही फ़ायदा होगा. सिनेमा को बढ़ना चाहिए ना कहीं. हम कब तक हम क्लीशे लेवल पर फिल्में बनाते रहेंगे. ये तो आपने फाड़ते देखा था कि नहीं देखा था. बट दैट इज दैट्स अ हिस्ट्री विच यू पीपल शोड द मैक्सिमम. आपने तो हाई स्पीड में दिखाया था उनको फाड़ते हुए. दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वॉट इज हाउ डू यू नो वट हाउ डज इट कम इन द फिल्म. यू डू नॉट नो हाउ डज इट कम इन द फिल्म. बट सी द फिल्म. ट्रेलर पे हम पिक्चर पर कॉमेंट नहीं कर सकते. हाउ यू डू नॉट नो हाउ इट कम्स इन द फिल्म. एंड ऑल्सो हमने चैरिटी थोड़ा कर रहे हैं. हमने फिल्म बनाई है, हम चाहते हैं लोग देखें उसको. भाई हम चाहते हैं कि हम अपने परोसें. हम जब किसी को दिखाते हैं, हम उसको अपनी बेस्ट तस्वीरें दिखाते हैं ना. हम बार बार अपनी सेल्फी खींचते हैं, 25 सेल्फी खींचते हैं, मगर हम एक डालते हैं. वो इसलिए डालते हैं क्योंकि हमको अच्छी लगती है और लगता है लोगों को अच्छी लगेगी. हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म देखें और लोग कहें वाह. सो यू डू नॉट नो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दैट होल थिंग कम्स. फॉर दैट यू नीड टू सी द फिल्म. मैंने 515 फिल्में की हैं. अब 515 तो पार्टीज भी नहीं होंगी, है कि नहीं. और जब आदमी फिल्म बनाता है, मेरे को बाकी अगर मुझे करना ही किसी पार्टी को सपोर्ट है तो मैं वैसे ही कर सकता हूँ ना. प्लेटफॉर्म खड़ा करके आपको बोल दूँ मैं कि मैं जुहू बीच पे वही भाषण दे रहा हूँ किसी पर्टिकुलर पार्टी को, आप आ जाओगे मेरा फूल लेने. उसके लिए फिल्म बनाने की कोशिश नहीं करूँगा. नहीं, वो उनसे तो किसी की बात कमी होती है. आज मैंने एक चैनल पे देखा उनको, किसी ने बोला कि कैसी लगी. वो पहले बोलने वाले थे और फिर वो निकल गए. तो फिर मुझे एक सीक्वेंस मैंने किया जो गाड़ी से निकलते हो, मुझे वो लगा कि मैंने अप्रैल में ये सीक्वेंस किया था कि मैं ऐसे निकल रहा हूँ. तो मैंने उसका दोनों की तस्वीर डाली है. आई थिंक वॉट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इज वी हैव वी मीन्स द पीपल ऑल ऑफ अस टुगेदर हैव क्रिएटेड अ फिल्म which should be applauded, which should be talked about जब भी कोई revolutionary step होता है, और उसमें उस चीज़ की भी तारीफ करनी चाहिए. And that's what my whole point is. I don't think there is anybody or nobody makes a film for political reasons. That is the job of the politicians. Actor's job is to act. You see? अब आप बाकी तो सबके political thoughts होते हैं. आप जब जितने भी vote डालते हैं वो चाहे आप सीक्रेट बैलेट पे डालते हैं, बट आप किसी को तो वोट डालते हैं. तो जिसको आप वोट डालते हैं आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए. तो दैट वे एवरी इंडिविजुअल हु वोट्स इन दिस कंट्री इज पॉलिटिकली अवेयर. दैट इज द प्रॉब्लम. लास्ट जब सेंसर पास कर देती है किसी फिल्म को, उसके बाद जो विरोध होता है तो कितना बुरा लगता है एक्टर को, और प्रोड्यूसर को उसे खुशी होती होगी कि पब्लिसिटी भी मिलती है. नहीं, बिल्कुल नहीं. और इसको एक्चुअली खुशी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी हम लोगों को सब लोग ऐसे लेते हैं. मुझे तो मालूम नहीं कितनी पार्टियां भी है इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी,
लेकिन मैं दूसरी बात बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी धर्म की फिल्में भी आती है रिलीज़ करने में, तो बहुत सारी संस्था है वो भी बाहर निकल जाती है और उस पर ऑब्जेक्शन लेके, उनका क्या मकसद होता है आई डोंट नो, लेकिन फिल्म सबसे आसान है लोगों को अटैक करना। ऐसा नहीं कि उनके पास कानून नहीं होंगे, उनके पास लॉयर नहीं होंगे, उनको पता नहीं होगा कि सेंसर के बाद उनको ये अधिकार ही नहीं है, लेकिन किसी ने चिट्ठी तो लिखी ना हमें अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसी चिट्ठियों का जवाब भी क्या दें, हम फिल्म रिलीज़ करें कि इन कामों में बिजी हो जाएं। अनुपम जी, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा। आपने कहा कि पहले कांग्रेस का सीलिंग का डिमांड था और अब उसमें कंप्लीट यू टर्न है, तो कांग्रेस के कुछ स्ट्रेटजी पे आपका क्या रिएक्शन है? अचानक से कोई चेंज है क्या? आपकी किसी से बात हुई है इसके बारे में? मैं किसी ने एक मुहावरा है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला निकल आ जाता है, तो यही कह सकता हूँ। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स ए गुड थॉट प्रोसेस। अगर इफ दे हैव चेंज द थॉट प्रोसेस तो विच इज़ फैंटास्टिक। आई थिंक इट्स अ ग्रेट साइन ऑफ मैच्योरिटी। हाँ ऑफकोर्स था, लगा था कि इसमें यूजुअल सस्पेक्ट्स तो उस पर वो करेंगे, पर आजकल यू डोंट हैव टू मेक ए पॉलिटिकल फिल्म। किसी को कोई भी कहीं भी जाके खड़ा हो जाता है, जैसा कि गाड़ा साहब ने कहा कि कोई भी संस्था कर सकती है, और आई एम सॉरी टू से बट आपको भी जब कोई बुरा कोई उल्टा सीधा कहता है उसको जाने में मज़ा आता है ना, उसको पकड़ने में मज़ा आता है, जो अच्छी बातें करता है उसको पकड़ने में थोड़ा मज़ा आता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे। आई विल बी डूइंग सर्टन आई थिंक 1-to-1 विद सम पीपल। राहुल का शो रिकॉर्ड होता है दोस्तों।